हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे पैटर्न्स। पैटर्न्स कोई भी लेटर सीखने से पहले अगर हम पैटर्न सीख जाते हैं तो हमें लेटर सीखने में आसानी हो जाती है, हेल्प मिल जाती है। कोई भी लेटर हम इजीली सीख सकते हैं। अधिकतर क्या होता है, बच्चों को हम पेंसिल दे देते हैं तो वो कुछ भी ऐसे लिखने लगते हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चों की एक ग्रीक बन जाती है। अगर उनको पेंसिल हाथ में पकड़ में आ जाती है तो वो कुछ भी बनाते हैं। तो आप उनको बच्चों को पेंसिल दे दीजिए, वो कुछ भी बना सकते हैं और इस तरह से वो इजीली सीख सकेंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चों को ना 4-5 डॉट लगा के देनी है और फिर वो इस तरह से उनको वन बनाना है, स्टैंडिंग लाइन। सबसे पहले सब क्या सिखाना है बच्चों को, स्टैंडिंग लाइन। अधिकतर बच्चे हर चीज को बड़े बड़े लिखते हैं तो आपको उनको डॉट लगा के देनी है। सबसे पहले आप 4 डॉट लगा के दीजिए, फिर 5 डॉट लगा के दीजिए। इस तरह से बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन। धीरे धीरे करके आप उस डॉट को कम करते जाइए और उनको बताते जाइए स्टैंडिंग लाइन। इनको जोड़ के बनाना है 1, 2, 3 स्टैंडिंग लाइन। अगर वो बच्चे पैटर्न सीख जा रहे हैं तो उनको इजीली पड़ जाता है वर्ड सीखने में। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं बच्चों को डायरेक्टली लेटर सिखाते हैं तो उनको बहुत टफ लगता है। अगर उनको ये पैटर्न्स बन जा रहे हैं तो वो इजीली सीख सकते हैं। ये क्या बना हमने, स्टैंडिंग लाइन। अब हम क्या सीखेंगे, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन ये मैंने कुछ डॉट बना के रखी हैं, इनको आपको ज्वाइन करना है। ऐसे आप बच्चों को काफी डॉट रख के दीजिए और ये स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। अब मैंने यहाँ पे डॉट कम कर दिए, धीरे धीरे आपको ये डॉट कम कर देनी है, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन यहाँ मैंने डॉट कम कर दिए, स्लीपिंग लाइन। ऐसे वो आसानी से सीख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन। अब हम क्या सीखेंगे, स्लैंटिंग लाइन। ये राइट लेफ्ट हैंड से मैंने बताया, स्लैंटिंग लाइन जो इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। ये मैंने सबसे ज्यादा ये डॉट रख दिए हैं, इसको इससे मैच करना है, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ये फॉरवर्ड जा रही है, स्लैंटिंग लाइन। अब ये बैकवर्ड, स्लैंटिंग लाइन। सबसे पहले आपको ज़्यादा डॉट रखने हैं, उसके बाद कम कम करके आपको सिखाना है, स्लैंटिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। ये मैं आपको बता दी राइट लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। अब हम कॉपी में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले कौन सी लाइन बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन। 1, 2, 3, 4 4 लाइंस में बनानी है स्टैंडिंग लाइन। ये कौन सी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन।
स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। अब ये कौन सी लाइन है? स्लैंटिंग लाइन। इसको थोड़ा सुला के बनाना है, इस तरफ बनाना है। स्लैंटिंग लाइन क्या बोलते हैं इसको? स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन, अब बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। अब ये कौन सी लाइन बनाएंगे हम? स्लिपिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं? स्लिपिंग लाइन। ये फोर डॉट है, फोर डॉट को ऐसे बनाना है। स्लिपिंग लाइन क्या बोलते हैं इसको? स्लिपिंग लाइन। वन टू थ्री फोर, इसको ज्वाइंट करना है फोर डॉट को। क्या बोलते हैं इसको? स्लिपिंग लाइन। वन टू थ्री फोर, फोर लाइन को ज्वाइंट करना है। स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। सो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया? स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन। एक बार फिर से देखेंगे। ये कौन सी लाइन थी? स्टैंडिंग लाइन। वन टू थ्री फोर, फोर डॉट आप बना के उनको सिखा सकते हैं। वन टू थ्री फोर, आप बच्चों को फोर फाइव डॉट लगा के ऐसे सिखा सकते हैं। वन टू थ्री फोर, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन। के बाद हमने क्या सीखा? स्लिपिंग लाइन। वन टू थ्री फोर, सबको मैच करना है और ऐसे बनानी है स्लिपिंग लाइन। इसको क्या कहते हैं? स्लिपिंग लाइन। उसके बाद हमने कौन सी लाइन सीखी? स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन कैसे बनाते हैं? वन टू थ्री फोर ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। सो आज की वीडियो में आपने क्या सीखा? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कर्व्स, कर्व्स कैसे बनाते हैं। कर्व सीखने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।